वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखी बहुत ही फेमस पोइम द सोल्जर का क्रिटिकल एनालिसिस को जानेंगे। ये पोइम अक्सर कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है और यूजी और बीए में इस पोइम को पढ़ाया भी जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोइट के बारे में। रूपर्ट जॉनर ब्रूक, इनका जन्म 3 अगस्त 1887 में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में हुई थी और ये एक इंग्लिश बार पोइट कहलाते हैं। कहते हैं ना बार पोइट, यानी जिसमें युद्ध का जिक्र किया वो बार पोइट। तो ये बार पोइट में से एक है। फेमस पोइम्स इनकी द सोल्जर है, द डेड है, द ओल्ड बिक्रेज है, द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। की कुछ इनकी फेमस पॉइंट्स नहीं, जो सभी बार के ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्या है कोई की। द सोल्जर बिलोंग्स टू एन अर्ली स्टेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी ये उस वक्त की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभिक अवस्था थी, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। उसको डिस्कस करती है। व्हेन पीपल वर ओवरऑल मोर ऑप्टिमिस्टिक, उस वक्त की युद्ध अभी तक तो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल स्टार्टिंग वाली कंडीशन है। तो पूरी तरीके से वहां के जितने लोग थे ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी आशावादी थे, एंड पैट्रियोटिक और देशभक्त थे। द पोएम वाज रेड अलाउड इन सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन ईस्टर्न 1950 शॉर्टली बिफोर ब्रूक्स डेथ। यानी देखिए ब्रूक की मृत्यु से पहले की बात है, 1915 की। तो एक जगह है सेंट पॉल्स कैथल ईस्टर में, वहां पर इस पोइम को जोर से पढ़ा गया था। द पोइम कैप्चर्स द पैट्रियोटिक मूड, क्योंकि इस पोइम में पूरी तरीके से जो मूड दिखाई दे वो पैट्रियोटिक यानी देश का ही मूड है। देशभक्ति क्या है ये चीज हमें पता चलती है इसमें। इट इज रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914, ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी ये पोइम नवंबर में और दिसंबर में लिखी गई थी 1914 में, केवल कुछ महीने पहले की बात है जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला। यानी कहने का मतलब वर्ल्ड फर्स्ट वार जब स्टार्टिंग हुआ, तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है तो उसके कुछ महीने पहले ही 1914 में इस पोइम को लिखा गया, नवंबर और दिसंबर के मंथ में। द सोल्जर इज अ सोनेट इन विच ब्रूक ग्लोरीफाइज इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस पोइम से जो सोल्जर है ये एक प्रकार का सोनेट है, जिसके अंतर्गत ब्रूक ने ग्लोरीफाइज यानी अभिमान से बात की किसकी, इंग्लैंड की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की पोजिशन क्या थी, उसको ग्लोरीफाई किया, उसकी महानता को व्यक्त किया है इसमें। ही स्पीक्स इन द जीनियस ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, वह बात करते हैं कि इंग्लिश जो सिपाही होते हैं उनके, सॉरी इन द गाइस, गाइस का मतलब भेष, भेषा की बात बात करते हैं, किस तरीके से एक अंग्रेजी सिपाही की भेषभूषा होती है। एज ही इज लिविंग होम टू गो फॉर वार, जब वह अपने घर को छोड़कर युद्ध के लिए जाता है, यानी जब वो युद्ध के लिए घर को जाता है तो वो किस प्रकार की भेषभूषा को धारण करता है, उसको व्यक्त किया गया है। द पोएम रिप्रेजेंट्स द पेट्रियोटिक आइडियल्स, ये जो कविता है ये एक देशभक्ति के आदर्श को व्यक्त करती है। डेट कैरेक्टराइज प्री वार इंग्लैंड, जो व्यक्त करती हो यानी इंग्लैंड में जो प्री वार यानी युद्ध से पहले की जो विशेषता है उसको व्यक्त करती है। इट पोर्ट्रेज दैट फॉर वंस कंट्री एज ए नोबल एंड एंड इंग्लैंड एज द नोबलेस्ट कंट्री फॉर विच ही वांट्स टू डाई। देखिए कविता मृत्यु को एक देश के नोबल नोबिलिटी के रूप में प्रस्तुत करती है। वो कहता है कि अगर देश के अंदर कहीं कोई मृत्यु होती है तो एक देश के लिए बहुत ही अभिमान की बात होती है, एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड इसी उसी तरीके का देश है जिसमें डेथ को एक नोबलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक विशेषता मानी जाती है, फॉर विच ही वांट्स, और वे इसी नोबल कैरेक्टर के लिए वो मरना चाहता है। यानी अगर कोई देश परदेश के ऊपर कुर्बान होता है तो देश के अभिमान की बात, तो उसी को कहता है कि मैं उसी तरीके की डेथ चाहता हूं जिससे कि वो डेथ जो मेरे देश का अभिमान बढ़। फर्स्ट स्टैंजा, क्योंकि इन द फर्स्ट स्टैंजा द ऑक्टेव, जिसकी हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं, द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ इंग्लिश सोल्जर। कविता जो है वो अंग्रेजी जो सिपाही है उनकी भावनाओं को व्यक्त करती है। हु गोज टू ए फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज कंट्री, जो अपने देश के लिए एक विदेशी देश में लड़ने के लिए जाता है, युद्ध करने के लिए जाता है। ही
He feels that the peace of foreign land where he will be buried in peace of death will be foreign land to be England because he was born and brought up in England. वह मानता है, मैं महसूस करता है कि वो टुकड़ा फॉरेन लैंड का, यानी क्योंकि वो विदेशी भूमि पे दूसरी जगह वो लड़ने के लिए जा रहा है, कहते हैं वो दूसरी जगह कैसी होगी, उसके लिए विदेशी जगह हो गई, फॉरेन लैंड हो गई, कहते हैं वो फॉरेन लैंड की जो जो टुकड़ा है, भूमि का जो टुकड़ा है, वेयर ही विल बी बरीड, जहां पर उसको दफनाया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, विल बी फॉरेन लैंड, वो भी क्या बन जाएगा उसके लिए, फॉरेन लैंड टू बी इंग्लैंड बन जाएगा। वो कहता है कि अगर एक सिपाही, एक अंग्रेजी सिपाही अगर दूसरी भूमि पर, दूसरी भूमि यानी फॉरेन लैंड पर अगर वो लड़ने के लिए जाता है और अकस्मात उसकी वहां डेथ हो जाती है, तो उसको उसी भूमि पर दफनाया जाएगा, यानी फॉरेन लैंड की भूमि पर ही दफनाया, तो कहता है वो फॉरेन लैंड भी उसके लिए इंग्लैंड बन जाएगी, वो उसके लिए जन्मभूमि बन जाएगी, क्योंकि बिकॉज ही वाज बॉर्न, क्योंकि वहीं पर उसका जन्म हुआ है एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ही उसका लालन पोषण हुआ है, इसलिए वो कहता है कि उसमें इतनी देशभक्ति है, इतनी देशभक्ति उसके अंदर भरी हुई है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर, कि वो जहां भी अगर विदेशी भूमि पर भी अगर उसे दफना दिया जाएगा, तो वो विदेशी भूमि का जो टुकड़ा है वो जगह भी उसके लिए देशभक्ति के रूप में याद करेगी। ही टॉक्स अबाउट हाउ हिज ग्रेव विल बी इंग्लैंड हरसेल्फ, वो बात करता है कि किस तरीके से वो जो कब्र है वो इंग्लैंड उसके लिए बनेगी, वो एंड व्हाट इट शुड रिमाइंड द लिसनर्स ऑफ इंग्लैंड व्हेन दे सी द ग्रेव, और वो कहता है कि जब वहां के लोग उस ग्रेव को देखेंगे तो वो इंग्लैंड के सुनने वालों को याद कराएंगे कि ये वही ग्रेव है, ये वही ग्रेव है जिसमें देशभक्ति पूरी तरह से भरी हुई है, और ये देशभक्ति कहाँ के लिए सम्मानित करती है, इंग्लैंड के लिए सम्मानित, यानी वो कहता है उस जगह पर इतनी पैट्रियोटिक फीलिंग्स वहां पर होती है, लोग जब भी देखेंगे तो उस चीज को महसूस करेंगे कि एक इंग्लिश इंग्लैंड का सोल्जर है। सेकंड स्टैंजा, इन द सेकंड स्टैंजा जिसे सस्पेक्ट के नाम से जानते हैं, ही आल्सो एक्सप्रेसे हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग गॉड देयर, वह व्यक्त करता अपने उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को, आभार को व्यक्त करता अपने देश के प्रति, फॉर एवरीथिंग उन सभी चीजों के लिए जो उसने, जो उसके देश ने उसको दिया, गॉड डे, यानी जो कुछ भी उसने अपने देश में प्राप्त किया, उसके देश ने उसको जो भी कुछ दिया है, उन सब के प्रति भी अपने आभार को व्यक्त करता है। ही फ्लोवर्स द एयर, वह उस हवा की बात भी करता है, फ्लोवर्स द रिडेम्पशन, उस मुक्ति की बात करता है, हवा का मतलब होता है जहां उसका पालन पोषण हुआ वो वातावरण, रिडेम्पशन माने मुक्ति, ही विल बिकम ए पल्स इन द इटरनल माइंड, वह एक पल्स बन जाएगा, नाड़ी बन जाएगा इन द इटरनल माइंड, वाली माइंड कहते हैं कि उसका दिल और दिमाग पूरी तरीके से क्या है, उसके अंदर नस जो है, उसके अंदर जो वेन्स हैं, जो सिराएं हैं, जो ब्लड है, जो दौड़ रहा है, वो कहाँ पर दौड़ रहा है, उस इंग्लैंड का दौड़ रहा है, क्योंकि वो उसी हवा में पलता पड़ा हुआ है और वहीं पर उसकी अपनी वो मुक्ति चाहता है, इसीलिए वो कहीं भी मिल मरेगा तो वो अपने आप को महसूस करता है कि उसके लिए इंग्लैंड बन जाएगा। ही कंक्लूड्स द ओनली लाइफ विल बी एप्रोप्रिएट हिम, वो कहता है कि केवल जिंदगी ही उसके लिए मूल्यवान होगी, शी हैज गिवन टू हिम, और ये जिंदगी वो है जो इंग्लैंड ने उसको दी है, एंड मेड हिम व्हाट ही इज, और उसने जो बनाया है वो आज उसी की वजह से, यानी उसकी मातृभूमि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने ही उसको जीवन दिया है और इंग्लैंड ने ही उसको वो सब कुछ बनाया जो आज वो है, तो आज अगर वो एक अच्छा सिपाही है तो बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ हिज कंट्री, वो केवल अपने देश की वजह से, द सोल्जर स्पीकर ऑफ द पोइम, जो सिपाही है वो इस कविता का स्पीकर वक्ता है, सीक्स टू फाइंड रिडेम्पशन, वह मुक्ति प्राप्त करता है, मुक्ति को ढूंढता है थ्रू सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ द कंट्री, वो देश के नाम पर अपने आप को बलिदान करके वो मुक्ति को ढूंढता है, वो कहता है मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं अपने देश के नाम पर कुर्बान हो जाऊंगा, दस द पोएम शोज द पोएट्स ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, इस तरीके की कविता है वो एक कवि के महान प्रेम को, जो अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को, असीम प्रेम को व्यक्त करती है, वह जो भी कुछ करना चाहता है वो अपने देश के लिए करना चाहता है, अपने देश के लिए कुर्बान होना चाहता है। राइम स्कीम, द राइम स्कीम इज दैट ऑफ दिस सेक्वेंट सोनेट, अक्स क्योंकि ये सेक्वेंट सोनेट की तरह है, तो द ऑक्टिव एंड सेस्टे, इसमें ऑक्टिव और सेस्टे पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्डेंस, में थ्री कॉर्डेंस हैं और इनकी राइम स्कीम में ए बी सी डी ई एफ ई एफ एंड ए फाइनल राइम कपलेट, और वहां पर एक हीरोइक कपलेट हुए जहां इसकी राइम उसकी में जी जी एज इन द सेक्शन सोनेट द डोमिनेंट मीटर इस टाइम पे, इस तरीके से सेक्शन सोनेट में जो मीटर का इस्तेमाल किया तो वो आयम्बिक पेंटा मीटर होता है, तो इसमें भी आयम्बिक पेंटा मीटर का इस्तेमाल किया गया।
इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोइम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक सोनेट है, बहुत ही खूबसूरत सोनेट है, जो पूरी तरीके से प्राकृतिक फीलिंग से भरा हुआ है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।